नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर अहम प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने अडानी मामले को लेकर केंद्र पर जमकर निशाना साधा है। नकुल दुबे ने कहा कि गौतम अडानी की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। मालूम हो कि कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। ये जितना भी प्रकरण हो रहा है, ऐसा न हो कि कुछ दिन बाद जो बड़े उद्योगपति हैं वो झोला उठाएं और अन्य व्यापारी उत्तर से भाग जाएं और विदेशों में जाकर के फिर वहाँ भी एक विदेशी राष्ट्रभक्त बन जाएं और हम लोग यहाँ पर बैठकर उनका तमाशा देखने का रह जाए और हमारी जेबें और खाली हो जाएं। तो हम लोगों ने निवेदन किया है कि एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज के माध्यम से इस संपूर्ण प्रकरण की जाँच करा ली जाए और ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि जो लाखों करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है, ये नुकसान क्यों हुआ। अगर LIC के शेयर्स को या किसी कंपनी विशेष को दिया गया, किस कारण से दिया गया, किसने कहने पर दिया गया, इन सब बातों की एक निष्पक्ष जांच हो जाए, एक श्वेत पत्र जारी हो जाए और हम सब लोग इस बात के लिए मुतमईन हो जाएं कि हमारा जो हमारी गाढ़ी कमाई का, हमारी मेहनत कमाई का पैसा या जो पॉलिसियों के रूप में जो LIC में जमा है वो सुरक्षित है, उस पर कोई, उस पर किसी भी ऐसी नज़र नहीं लग गई है जिसने अब पहले नज़र लगा करके हम लोगों को तबाह और बर्बाद करने का कार्य किया। जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, गौतम अडानी की साख और अडानी समूह के शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं। देश का विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमलावर होते जा रहे हैं। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने एक देशव्यापी मार्च निकाला था और आज लखनऊ के स्वास्थ्य भवन चौराहे पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा देश स्तर पर एक प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में आप कार्यकर्ता डबल इंजन सरकार और अडानी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। अब विपक्ष सरकार को सड़क से लेकर संसद तक घेर रही है। भैया, पूरी की पूरी रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, सारे एयरपोर्ट बेच दिए। पिछले दो साल से अडानी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है। क्यों कमा रहा है? क्योंकि मोदी जी ने पूरा का पूरा देश उसके नाम कर दिया है, पूरा पैसा उसके नाम कर दिया है। आपने देखा किस तरीके से घोटाले हो रहे हैं। इन्होंने फर्जी कंपनियां बनाई, 36 फर्जी कंपनियां बनी मलेशिया में, जिन्होंने यहाँ पे पैसा लगाया अडानी में और अडानी के सारे शेयर बढ़ाए। कैसे बढ़ाए, क्या ईडी को नहीं बताइए? देखिए, आज ज्ञापन सौंपना था हमें DM महोदय को। आज हम अपने जिला अध्यक्ष महोदय द्वारा, रोहित श्रीवास्तव जी के द्वारा यहाँ पे नेतृत्व में आए थे। जिस तरह 2.5 लाख करोड़ रुपए हम आम जनता का, LIC और आपका स्टेट बैंक का पैसा सारा अडानी को दिया गया, अडानी ने अपने पोर्ट, एयरपोर्ट और पावर प्लांट, सीमेंट जितने में है सब में इन्वेस्ट किया। आज हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि वो पैसा डूब रहा है। तो हम लोग का यही कहना है कि आप एक काम करिए, JPC बैठाइए या फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मॉनिटरिंग करके टाइम बाउंड इंक्वायरी बैठा लिए, जिसमें ये पता चले जो रिपोर्ट आई है वो सही है कि नहीं सही है। क्योंकि ये देश की जनता का पैसा है, ये आम जनता का पैसा है, उसके इस तरह से खिलवाड़ ना करें। और अभी हमारे जिला अध्यक्ष आज ज्ञापन दे रहे, यदि इस पर कार्रवाई नहीं होती, संजय भैया ने भी 267 का नोटिस दिया पार्लियामेंट को, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों ने प्रेसिडेंट महोदय को भी पत्र लिखा संजय जी ने, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज धनबाद प्रदर्शन हुआ है ये स्वास्थ्य भवन चौराहे पे लखनऊ में। धन्यवाद। देखिए, अडानी का जो घोटाला हुआ है वो देश के आजाद देश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। लाखों करोड़ रुपए निवेशकों को लूट गए और उन्होंने अपने शेयरों की वैल्यू गलत तरीके से बढ़वाई है, जिसके बेस पे बहुत हजारों करोड़ रुपए का लोन लिया है बहुत सारे बैंकों का, और सरकार उसकी जाँच नहीं करा रही है, न CBI से, न CID से, और न NIA से, और सरकारी संस्थाएं जो है वो सही से काम नहीं करती। इसलिए हम सब लोगों ने ये बात कही है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए, जिसके अंतर्गत जाँच होनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि सब क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या वजह है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद गौतम अडानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। लखनऊ में आज स्वास्थ्य भवन चौराहे पे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा एक आंदोलन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इन आंदोलनकारियों को पुलिस वैन में ले जा रहे हैं और सबने जो है अडानी है भ्रष्टाचारी, मोदी की हिस्सेदारी के नाम के पोस्टर लगा चुके हैं और लगातार जो है विरोध प्रदर्शन करते जा रहे हैं। आइए, आप कुछ बातचीत कर रहे हैं इन लोगों से, क्या मुद्दा है? बटन, ये पुलिस ने मारा है मुझे, बटन तोड़ा है मेरे, ये सब मुझे मारा है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ महिलाएं भी इस आंदोलन में बढ़ का हिस्सा ले रही हैं। आइए, मैं कुछ महिला कर्ताओं से बातचीत करते हैं, क्या वजह है आज इतना बड़ा आंदोलन आप लोग कर रहे हैं? सभी लोग जानते हैं कि अडानी के मित्र जो मोदी जी चुप बैठे हैं। ये आप जानते हैं कि हमारा पैसा डूब रहा है, LIC का पैसा डूब रहा है। आप लोगों को
वो हो जाना चाहिए कि LIC का पैसा हम लोगों का सब पब्लिक डूबा। हम लोग कटोरा लेके भीख मांगने वाले हैं, अब हमारा हाल वही लंका वाला होने वाला है। ठीक है, 100 बिलियन पैसा बर्बाद हो गया तब भी ये चुप है, और जिसे पार्लियामेंट कहते हैं मंदिर होता है लोकतंत्र का, लेकिन उसमें भी कोई सुनवाई नहीं है। क्यों सरकार लगातार कह रही है कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है, और जो LIC की बात, जब कोई बात होती है तो ये लोग करने देते हैं, क्यों ना चलने दे, फिर ये लोग ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी क्यों नहीं बैठाते, बिठाएं ये लोग। सरकार कह रही विपक्ष नहीं चलने दे रहा, और हम कह रहे हैं कि तुम हमारे चुनाव नहीं होने दे रहे हो, तुम MCD से तुम भागो, मेयर के चुनाव से तुम भागो, हर चुनाव से तुम भागो, और तुम कह रहे हो कि हम सदन नहीं चलने दे रहे। इस बार सदन नहीं चलने देंगे जब तक देश की जनता की बात सुनी नहीं जाएगी। बड़े अफसोस की बात है, देश का पैसा डूब गया, अटानी देश को लूट गया। आज ये जनता जानती है, बहुत अच्छे से जानती है कि हमारा पैसा, हमने देश की जो सबसे बड़ी संस्था LIC, छोटे से लेकर बड़ा आदमी तक उस पर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, इतने आराम से आपने देश की पूंजी एक आदमी हाथ में दे दी। आज जैसे नीरव मोदी भाग गया, आज जितने भाग गए, मुझे तो लगता है कि मेहुल चौकसी भाग गया, मुझे तो लगता है कि ये महाशय भी भागेंगे और पूरी सरकार के सपोर्ट से भागेंगे। लेकिन सरकार ये आश्वस्त कर रही है कि LIC में जितने लोगों का पैसा है, जिन देशवासियों का, उनको नुकसान नहीं होगा, निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहेगा, ये आश्वस्त भी कर रही है। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, सरकार ने तो आश्वस्त 2 करोड़ नौकरियों के लिए भी किया था, सरकार ने आश्वस्त 6 करोड़ मकानों के लिए भी किया था, सरकार ने तो ये भी आश्वस्त किया था कि जिनकी झोपड़ियां झुग्गियां तोड़ी जा रही है उनको पे मकान दिए जाएंगे। तो अब ये आश्वासन हमें ना दिया जाए, हम अपनी लड़ाई लड़के अपने अधिकारों को जितना जानते हैं। आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव भी होना है, तो किस प्रकार से जो है आम आदमी पार्टी इसको देख रही है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब फतह करने के बाद उत्तर प्रदेश की तरफ भी अब रुख कर रही है आम आदमी पार्टी। ये चुनाव किसी पार्टी का नहीं होगा, ये चुनाव की बार जनता का होगा, और जनता बहुत अच्छे से जान चुकी है कि देश किस ओर चल पड़ा है। हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि हम अंग्रेजों की गुलामी राज में जा चुके हैं, और अफसोस इस बात का है कि इस बार ये गुलामी हमें हमारे अपनों के थ्रू मिलेगी, जिन पे हमने भरोसा किया, जिनको वोट किया, आज वही देश की नैया डुबाने पे तुले हुए हैं। हमें बहुत इंतजार है अब की बार के चुनाव का, बहुत इंतजार है जनता के वोट का, ईमानदारी के वोट का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है लगातार स्वास्थ्य भवन चौराहे पे अडानी के मुद्दे के लिए केंद्र सरकार और डबल इंजन की सरकार को लगातार घेर रहे हैं, और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि इस जो बड़ा घोटाला है, जिस प्रकार से निवेशकों को पैसा डूब रहा है, उसमें प्रधानमंत्री की हिस्सेदारी है। तमाम बड़े आरोप आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आज स्वास्थ्य भवन चौराहे पे जो आंदोलन कर किया जा रहा है, जो प्रदर्शन किया जा रहा है, उस पे लगाए गए हैं। कैमरामैन मीरज के साथ मैं विवेक शाही, Prime TV लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं द्वारा आज लखनऊ जिलाधिकारी कार्यालय पर किसानों के मुद्दे, गन्ने की लाभकारी मूल्य, फसलों के MSP, आवारा पशुओं से छूटा पशुओं द्वारा किसानों के फसलों के हो रहे नुकसान को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया गया। राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश में व्यापक स्तर पर किसानों को मुद्दे को लेकर लगातार आंदोलन और धरना प्रदर्शन कर रही है। आज हम लखनऊ में हैं, DM कार्यालय के सामने राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता और नेता पहुंचे हुए हैं, जो किसानों के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ मुद्दा है जिनको लेकर आज वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, क्या कुछ मुद्दा है जिसके लिए आप यहाँ पे आए हुए हैं। वर्तमान सत्र में 4 महीने हो चुके हैं चीनी मिलों को चलते हुए, लेकिन अभी तक सरकार ने लाभकारी मूल्य की घोषणा नहीं करी है, जिसके चलते किसान बहुत परेशान है प्रदेश का, और मतलब आत्महत्या की उसकी मंशा बन रही है, क्योंकि उसको खाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं और उसने जो धन लगाया हुआ था उसका कोई अभी तक भुगतान नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग प्रदेशव्यापी किसान संदेश अभियान चला रहे हैं, जिसमें आज के दिन हमने प्रदेश के सारे ज़िलों में एक साथ जितने भी जिलाधिकारी हैं उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम एक ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसमें हमने अपनी 3-4 मांगे रखी हुई हैं, जिसमें कि वर्तमान सत्र में जो लाभकारी मूल्य का घोषणा होना है, एक मांग वो है। दूसरी मांग जो आवारा पशु हैं उनसे हमारे खेत में कैसे रक्षा करी जाए उन आवारा पशुओं से, वो दूसरी मांग है। व्रज क्षेत्र में हमने आलू के एक निर्यात केंद्र की स्थापना की भी मांग करी है, जिससे वहाँ पर समुचित मूल्य जो है वो सरकार वहाँ पर निर्धारित करे। तो इन सब मुद्दों को लेकर आज हम जिलाधिकारी माननीय जिलाधिकारी के यहाँ ज्ञापन सौंपने आए हैं, और हम ये आशा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस मांग को जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे।
आज आप यहाँ डीएमओ ऑफिस पर ज्ञापन सौंपने आए हैं, आप लोगों ने धरना प्रदर्शन की भी बातें जो है कही हैं, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है इसके लिए आप लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। आपके जो मुखिया है जयंत चौधरी जी, वो मुख्यमंत्री को इस मुद्दे पर पत्र भी लिख चुके हैं, अगर सरकार इस कोई कार्रवाई नहीं करती है तो आगे राष्ट्रीय लोकदल का क्या महत्वपूर्ण कदम होगा? देखिए, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं करी जाएंगी, क्योंकि ये जो मांग है ये राष्ट्रीय लोक दल की कोई अपनी राजनीतिक मांग नहीं है, ये मांग है देश के लिए, देश के किसान के लिए, देश के किसान के पेट की आग को बुझाने के लिए ये मांग है। और अगर हमारे अन्नदाता को कोई भी तकलीफ होती है तो उसके लिए हमको जिस स्तर तक भी जाना पड़ेगा, हम और हमारी पार्टी अपने देश के अन्नदाता के लिए वहाँ तक जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उसके लिए हमको धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, जो भी करना पड़े हम बिल्कुल उस स्तर तक जाएंगे। आपका क्या कह रहा है इस मुद्दे पे, किस तरीके से सरकार क्या किसानों की नहीं सुन रही जिसकी वजह से आपको ये ज्ञापन वगैरह सौंपना पड़ रहा है? आप धरने प्रदर्शन की मांग कर रहे हैं, आपके पार्टी के बड़े पदाधिकारी विधानसभा का घेराव की भी मांग कर रहे हैं। देखिए, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी बराबर ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से किसानों के गन्ने बकाए के लिए भुगतान की मांग कर रहे थे। अभी उन्होंने एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले उन्होंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी थी, और हम लोगों ने किसान अभियान में जो ये अभियान चलाया है, पिछले महीने की 27 तारीख को हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी को तकरीबन 55 लाख पत्र हम लोगों ने दिया है। अब अगर मुख्यमंत्री जी को ये 55 लाख पत्र भी संज्ञान में नहीं लेते हैं और अगर वो गन्ने का भुगतान नहीं करते हैं, आलू के बारे में नहीं अगर वो ध्यान देते हैं, और अगर ये आवारा पशुओं के पर अंकुश नहीं लगाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो हम लोग जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश के अंदर, संपूर्ण प्रदेश के अंदर जिलाधिकारी महोदय को हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। हम लोग ज्ञापन के माध्यम से उनको सचेत करेंगे, अगर हमारा आप 15-20 दिन 25 दिन के अंदर हम लोगों की मांग को नहीं पूरी करते हैं राष्ट्रीय लोकदल के मांग को, तो हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का घेराव भी हमारे नेता के माध्यम से होगा और हम लोग आगामी अपनी रणनीति तय करेंगे इसमें। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल लखनऊ के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो डीएम कार्यालय पर एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। किसानों को मुद्दे पर यह ज्ञापन है कि किस तरह से 4 महीने से चीनी मिलें चल रही हैं लेकिन गन्ने का लाभकारी मूल्य अब तक नहीं मिल पाया। दूसरा मुद्दा, आवारा पशुओं, छुट्टा पशुओं, जो फसलों का नुकसान हो रहा है किसानों से, उससे किसान बेहद आहत है। लगातार मुख्यमंत्री को जो है इनके मुखिया पत्र लिखते रहे हैं, बता रहे हैं कि 55 लाख पत्र जो है अन्य माध्यमों के साथ मुख्यमंत्री को भेजे जा चुके हैं लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस तरीके से एक निश्चित समय अवधि के अंदर अगर एक कार्रवाई नहीं होती है तो अपने मुखिया के नेतृत्व में, जयंत चौधरी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल विधानसभा और मुख्यमंत्री के आवास का भी घिराव करेगी। कैमरामैन नीरज के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी लखनऊ। उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों में सफर करने पर यात्रियों को अब ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। बसों का किराया 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ा दिया गया है। बता दें कि सोमवार रात से बढ़ा हुआ किराया लागू कर दिया गया है। इससे रोडवेज को सालाना 30 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। वहीं बढ़े हुए किराए का असर यात्रियों में भी देखने को मिला। लखनऊ में आगरा रायबरेली की यात्रियों से हमारे संवाददाता ने बात की है और बढ़े हुए पैसे को वो कैसे मैनेज करेंगे इस पर उन्होंने कहा कि महंगाई की मार से जनता बेहाल है। ये तो गलत ही है, हर चीज़ों में बढ़ रहा है। आज पहली बार ये बस में बढ़ा है, सारे चीज़ों में बढ़ गया। हम तो सबसे परेशान जीएसटी पे हैं, सबसे ज़्यादा जीएसटी से हैं। जीएसटी, पेट्रोल, डीजल, उत्तर प्रदेश परिवहन की तरफ से और बस में आप बैठे हुए हैं, कुछ किराया बढ़ने के साथ नजर आ रहा है? सारी चीज़ें इसमें क्या चेंज, तो कुछ भी नहीं हुआ, बस जो पहले थी वही है। अगर फैसिलिटी मिलती और किराया बढ़ गया तो बस तकलीफ वही है। क्या मानते हैं आम लोगों पर इसका? आम लोगों पे ही सब जा रहे हैं और किस पे जा रहे हैं? बड़े लोगों पे तो उनके लिए अपनी है, उसमें चले जाएंगे, अकेले जाते हैं शायद, मैंने ऐसे सुना है, देखा तो है नहीं। और हम तो इसमें बैठे हैं, बस वही है, बस किराया बढ़ गया। इसमें सर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हो रही है, जो नीचे के जो लोग हैं, मिडिल क्लास के जो लोग हैं, वही लोग ट्रैवल कर रहे हैं इस बस में। अमीर आदमी तो नहीं करता इस बस में, उसको तो कोई फायदा, जो भी इफेक्ट पड़ता है वो हमेशा गरीब लोगों को पड़ता है। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ रहा है इस टाइम पे, जो गरीब है वो और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं चीज़ को लेकर। ना कोई फैसिलिटी मिल रही है, कोई चेंजिंग नहीं है बस में। अरे सीधा बोलो, गरीबों के लिए एक ही नेता है, केजरीवाल। सीधी सी बात, केजरीवाल आप दिल्ली आके देखो, आपको आपकी बसों में भी आपको कितनी अच्छी सुविधा मिलेगी, महिलाओं की टिकट फ्री हो जाती है, ठीक है,
वहाँ पे कोई टेंशन नहीं है बसों में, कोई रात में अगर लेडीज भी जाएगी ना बस में, एक पुलिस वाला उस बस के अंदर साथ रहेगा रहेगा। अरे सर ये तो गलती है, अब इसमें गरीबी आदमी सफ़र करता है साहब, ये तो है ना कि बड़ा आदमी करे इसमें उसको क्या फ़र्क पड़ता है, मगर गरीबी जो भी हो रहा है गरीब मार हो रही है, जो भी मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी जो भी कर रहा है, कोई ये किराया बढ़ा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। बसों में कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई टूटी फूटी बसें, खिड़की बंद नहीं होती, रात में ठंड में जाओ शीशे में हवा आती रहती है, तो भाई किराया बढ़ाया तो बसें सही कराओ, नहीं शीशे पीछे ये बसें बचती हैं, बस यही है, तो गरीब मार हो रही है। फील हो रहा है ना, किसी और से 500 रुपये उधार लेकर आई हूँ, और आप जानते ही हो कैसे फील होना चाहिए, वहाँ पे जाने के लिए मजबूरी है, मेरा घर इतना दिक्कत में है जिसका कोई जवाब नहीं है, एक टाइम खा के दूसरे टाइम खाने को नहीं है। मोदी आए दिन बोलता है हाँ भाई गरीबों की मतलब दिक्कत उठाएंगे, ऐसे उठा रहा है जो आए दिन मतलब 99% बढ़ा रहा है, ऐसे 1% भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, भूखे मरने तक की नौबत है। हमें तो गलती अफसोस इस बात पर हो रहा है, पता नहीं किन बेवकूफों ने इसे मतलब वोट दिया जिसके बदौलत ये जीत गया। वाहन निगम में वर्तमान समय में किराया बढ़ाए जाने की बहुत बड़ी आवश्यकता थी, इसलिए काफ़ी दिनों से इसके ऊपर चर्चा चल रही थी अधिकारियों के और नेताओं के मध्य, तो परिवहन मंत्री जी ने भी इसमें काफ़ी कुछ सोच समझ करके जो है, और अपने प्रमुख सचिव जी और अपने रोडवेज के MD साहब और अन्य अधिकारियों के बीच में मंत्रणा के बाद काफ़ी सोच समझ के ही ये 25 पैसा पर किलोमीटर किराया बढ़ा गया है। कितने सालों बाद इस किराए में इजाफा किया गया है? ये सन 2012-13 के बाद से जो है ये सामान्य रूप से किराया बढ़ाया गया है, और इसके ऊपर यात्रियों के ऊपर कोई अधिक ज़्यादा परेशानी नहीं हुई है अभी तक, किसी किराए यात्री ने इस किराए बढ़ोतरी के संबंध में कोई शिकायत या कोई अपना गुस्सा कोई इजहार नहीं किया है। तो अभी एक पैसेंजर तो ये भी कह रहा था कि जब सैलरी बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रही है, तो आपका किराया भी बढ़ाया जाना ही जुनून है, ये अच्छी बात है। कल से पूर्व 1.05 रुपये पर किलोमीटर था, 6 फरवरी जो है 23 से 1.30 रुपये पर किलोमीटर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का किराया हो गया है। 25% समझ के चलिए। हमारे साथ कुछ यात्री यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से किराए में बढ़ोतरी की गई है, 25 पैसे प्रति किलोमीटर किराया बढ़ाया गया है परिवहन से, तो आपको कहाँ तक सफ़र करना है, कितने किलोमीटर का सफ़र है, जैसा कि 25 पैसे प्रति किलोमीटर किराया का दर बढ़ाया गया है, तो क्या कहना है? बस्ती तक के सफ़र करना है। बस्ती तक करना है? जी हाँ। तो किराया बढ़ के आपको जानकारी है? नहीं, अभी 2-4 दिन पहले जानकारी हुआ था किराया बढ़ने वाला है रोडवेज का। हाँ, क्या कहना है आपको, कहाँ तक सफ़र करना है? हमको बहराइच तक सफ़र करना है, किराया बढ़ा है तो इसको घटाना चाहिए। कितना किलोमीटर है बहराइच? 110 किलोमीटर। 110 किलोमीटर जी। तो लगभग कितना किराया आपका बढ़ गया? बस बन जाएगा 25-26 रुपये बढ़ेगा। 25 पैसे प्रति किलोमीटर जी जी। कहाँ सफ़र करना है? हमको तो आजमगढ़ जाना है। आजमगढ़ कितना किलोमीटर हो? आजमगढ़ यहाँ से 200 किलोमीटर के लगभग है। ये सरकार ने बहुत गलत किया किराया बढ़ा करके, ये हम लोगों को एक तो महंगा पड़ता था, दूसरे और ज़्यादा महंगा पड़ेगा। कितना किराया पड़ता था आपका? किराया हमारा 312 रुपये पड़ता था। अब कितना पड़ रहा है? आप तो 25 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाए हैं, इस हिसाब से जोड़ लीजिए, ये जनता को कौन से फ़ायदा देना, कौन से सहूलियत देना चाहते हैं, यही है सबका खास सबका विकास। सरकार ने किराया तो बढ़ाया, लेकिन उसके साथ रोडवेज की जो सुविधा है उसको सही करना चाहिए। जो ये लोग रोक देते हैं 40-40 मिनट ढाबे पे जाके, यात्री परेशान होते हैं, समय से गाड़ी पहुंचती नहीं है, यही सरकार की सुविधा गलत है। शौचालय है रास्ते में, ना तो कहीं पानी पीने की ढाबे की व्यवस्था है। पूर्वांचल से होकर के हम लोगों को आजमगढ़ जाने में बहुत कठिनाई हो रही है, पूर्वांचल का भाड़ा भी अधिक है, सुविधा नहीं, असुविधा हो रही है। अब हम इस समय जनरथ बस में हैं, अवध बस स्टेशन पे, जनरथ बस में, यहाँ पर जो यात्री सफ़र कर रहे हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर अभी तक क्या किराया पड़ रहा था, कहाँ के लिए सफ़र कर रहे हैं आप? आजमगढ़ के लिए सफ़र कर रहे हैं, अभी तक 665 रुपये किराया था, आज जो है 778 रुपये जो है किराया लिया जाए। आज अभी आपका बढ़ गया किराया 660 119 रुपये। लगभग कितने किलोमीटर का सफ़र है आपका आजमगढ़? 365 किलोमीटर जो है वहाँ से आलमबाग से। 365 किलोमीटर का सफ़र है, जिसमें लगभग 100 रुपये से ऊपर तक का जो है किराए में बढ़ोतरी हुई। कुछ लोग और बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि कहाँ सफ़र कर रहे हैं, वो किस जगह जा रहे हैं, कहाँ तक के लिए सफ़र कर रहे हैं?
आजमगढ़ के लिए। आजमगढ़ के कितना किलोमीटर है आजमगढ़? लगभग 260-270। तो पता है आपको, जानकारी है, किराया बढ़ गया है? हाँ, किराया बढ़ गया है, पर किलोमीटर 1.45 रुपया हो गया है। क्या कहते हैं किराया, किस तरीके से बढ़ाया है? अभी तो बढ़ा है, कुछ दिन पहले भी लिखा था बढ़ने वाला है, बढ़ गया है। आप क्या कहना चाहेंगे किराए को लेकर? बढ़ तो गया है किराया, बढ़ा है। फिलहाल किराया तो जो बढ़ाया गया है वो बढ़ा ही दिया गया है। फिलहाल जो परिवहन निगम है, परिवहन निगम कहीं ना कहीं लगातार घाटे में चल रहा था, लगभग 210 करोड़ रुपए का घाटा बताया जा रहा था परिवहन निगम की तरफ से। फिलहाल अभी किराए की बढ़ोतरी की गई है, वो 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से प्रति यात्री की गई है। पहले ये किराया 1.05 रुपए था, अब ये 25 पैसे बढ़ा करके 1.30 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से किया गया है। उत्तर प्रदेश परिवहन ने अपना किराए में बढ़ोतरी किया है। आज रात 12 बजे से किराए में 25 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। जो किराया अभी तक परिवहन विभाग में जो बसों का किराया, साधारण बसों का किराया 1.05 रुपए प्रति किलोमीटर हुआ करता था, अब वो आज रात 12 बजे से 25 पैसे बढ़ा दिया गया है। वो किराया अब 1.30 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से हो गया है। तो अब सबसे बड़ी बात यह होगी कि किस तरह से अभी सरकार ने बजट पेश किया है। बजट पेश करने के बाद कहीं ना कहीं जनता सोच रही थी कि उन्हें महंगाई के मार से कुछ आसानी, कुछ राहत मिलेगी, लेकिन अभी यहाँ उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं परिवहन विभाग ने अपने बसों का किराया बढ़ा दिया है। तो कहीं ना कहीं अब जो यात्री हैं उन पर 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से जो बोझ बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। यहाँ हम इस समय अवध बस स्टेशन पर खड़े हैं, यहाँ पर कुछ यात्री हैं जो सफ़र करने जा रहे हैं और उन्हें अभी ये जानकारी नहीं है कि किराया बढ़ाया गया है या नहीं बढ़ाया गया है। कुछ लोग यहाँ सफ़र कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? जोधपुर। कितना किलोमीटर का सफ़र है? 250। आपको पता है कि किराया बढ़ा दिया गया है? नहीं पता, नहीं जानकारी है आपको? पता है? पता नहीं था, लेकिन आज मैंने कंडक्टर से पूछा तो बताएं कि 356 रुपये टिकट मिलेगा। पहले कितना किराया पता? पहले सुल्तानपुर से बैठते थे तो 231 रुपये का टिकट था। अब कितना किराया पड़ रहा है आज? आज तो पड़ रहा है 200 को ऊपर जा। कहीं ना अभी कुछ लोगों को ये जानकारी है, कुछ यात्रियों को, और कुछ यात्रियों को ये जानकारी भी नहीं है कि किराया बढ़ाया गया है या नहीं बढ़ाया गया है। फिलहाल राज्य सड़क प्राधिकरण ने अभी 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराए को बढ़ा दिया है। अब ये भी कहना नहीं होगा, क्योंकि 2012, 14, 17, 20 के बाद अब ये किराया कहीं ना कहीं 5 पैसे, 4 पैसे, 7 पैसे प्रति किलोमीटर, प्रति रुपए की दर के बाद में अब इस किराए की बढ़ोतरी जो की गई है वो 25 पैसे में बढ़ोतरी की गई। कुछ लोग और हैं यहाँ पर, यात्री मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे क्या उनको जानकारी है इस चीज़ की कि नहीं, कि किराए में बढ़ोतरी की गई है। माता जी यहाँ पर बैठी हुई हैं, आपको जानकारी है कि किराया बढ़ गया है और 25 पैसे प्रति किलोमीटर किराया बढ़ा गया है? कहाँ तक आप सफ़र कर रहे हैं? आजमगढ़ तक जा रहे हैं। कितना किलोमीटर है आजमगढ़? 275 के लगभग। 275 का आपका किराया क्या पड़ता था पहले? पहले आते थे 375 लगता था आलमबाग का। अब देखिए इस समय कितना लग रहा है। अभी तो 25 पैसे प्रति किलोमीटर अगर बढ़ाया गया तो 65-70 रुपये पर टिकट के हिसाब से। सरकार का ये कैसा कदम है? कम से कम 5-10 पैसे किलोमीटर अगर वृद्धि करती तो ठीक था, इकट्ठा 25 पैसे बजट के बाहर हो जाएगा ना। दो बार ये यात्री हैं, इनका कहना है कि 5-10 पैसे अगर प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया होता तब तो ठीक था, लेकिन 25 पैसे प्रति किलोमीटर अचानक बढ़ा देना कहीं ना कहीं अभी जनता के पर बोझ बन रहा है। और कहीं ना कहीं इस तरीके का जो किराया बढ़ा गया है वो 100 किलोमीटर में 25 रुपए का बढ़ोतरी होगा। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से यात्री सफ़र कर पाएंगे, जिनके पास रोज़मर्रा जो उस गाड़ियों में चलते हैं वो किस तरीके से गाड़ियों में सफ़र कर पाएंगे, कैसे गाड़ियों में सफ़र करेंगे कि जब वो 25 पैसे का जब किराया बढ़ा गया है। अगर सफ़र 500 किलोमीटर का है तो लगभग 125 रुपये प्रति व्यक्ति वो किराए का दर बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरीके से इस किराए की बढ़ोतरी की गई है और जनता इससे अब कैसे खुश होगी। फिलहाल अभी जो किराया बढ़ाया गया है वो घाटे को देखते हुए बनाया गया है। परिवहन विभाग लगातार घाटे में चल रहा था, इसको लेकर के परिवहन निगम ने ये एक प्रस्ताव दिया था राज्य सड़क प्राधिकरण को, जिसके बाद वहाँ के अध्यक्ष वेंकटेश्वर लू ने ये 25 पैसे प्रति किलोमीटर का किराया बढ़ा दिया। फिलहाल अब जनता को, यात्रियों को 1.30 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से किराए का भुगतान करना होगा।
कैमरामैन विजय के साथ रितेश श्रीवास्तव, प्राइम टीवी लखनऊ। सर, एक किलोमीटर पे 25 पैसे बढ़े हुए हैं। जी जी सर, तो ये कब से? ये रात को 12 बजे से सर लागू हो गया। तो अब से अगर आप टिकट काटेंगे तो 1.25 रुपये की बढ़त से? नहीं, 25 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से काटेंगे सर, जो इसमें किराया हमारी मशीन में फीड किया हुआ। किस रूट पे ये? हर रूट पे हुआ है सर, पूरे यूपी में हर रूट पे हुआ है। तो आपको, आपने टिकट वगैरह काटे होंगे? अभी नहीं हमने काटे सर, पहली बार आ रहे हैं। तो किस तरीके से देख रहे हैं, कुछ लोगों को अभी पता है इसके बारे में या नहीं? ये तो पेपरों में और उसमें न्यूज में सब में दे दिया सर, आज के पेपर में भी आ चुका है। तो इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।